पूरा उखार करके इधर ले लिया, पूरा पूरा खोल कर ले लिया। जी पिछले 12 जून को जिलाधिकारी महोदय और आपदा के अपर समाहर्ता महोदय के द्वारा बाढ़ से संबंधित सभी जितने भी पदाधिकारी और कर्मी हैं उनके साथ एक समीक्षात्मक बैठक की गई थी। तो उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट निर्णय स्पष्ट आदेश दिया गया कि जो आसन्न बाढ़ है उसको देखते हुए सारी तैयारियां एसओपी के अनुसार कर लेनी है। इस आलोक में मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि जो नाव जो है सरकारी नाव उनकी मरम्मति करा ली जाए और जो प्राइवेट जो नाव हैं उन नाव मालिकों के साथ एकराना कर लिया जाए, यानी उनके साथ जो हम लोगों का जो एकरारनामा होता है वो तैयार कर लिया जाए। और जो जिला सांख्यिकी जो पदाधिकारी है उनको निर्देश दिया गया कि 15 जून से जो वर्षापात का जो आकलन जो वर्षापात होता है उसका प्रतिदिन का रिपोर्ट वो देंगे और उसको ग्रुप में भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर बाढ़ आती है तो उसके लिए जो एसओपी के तहत जो तैयारियां हैं वो तो करनी ही करनी है। उसी आलोक में यह भी निर्देश दिया गया कि शरण स्थली जो चिन्हित किए गए हैं उन पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी कर ली जाए कि जो अगर बाढ़ आ जाती है तो हम लोग उसको उसकी अच्छी व्यवस्था कर सकें जो बाढ़ प्रभावित लोग होते हैं। साथ ही साथ बाढ़ में आप देखते होंगे कि पशुओं के लिए बड़ी समस्या हो जाती है, तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि पशुओं की चारा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। और इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो भी सरकारी निर्देश के आलोक में जो टेंडर होता है वो कर लिया गया है। यह एक अलग से एक निर्देश उनके द्वारा दिया गया कि पशु हेतु जो स्थल बनाए जाते हैं उसके लिए एक बैनर लगा दिया जाए कि लोग समझे कि यहाँ पशुओं की शरण स्थली भी है, जैसे कि जो मानव जन के लिए जो शरण स्थली होती है उसी प्रकार आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति आपदा से प्रभावित होते हैं उनको एक्सग्रेसिया मुआवजा भी दिया जाता है उनके लिए। तो एक आपदा संपूर्ति पोर्टल है उसको लगातार अपडेट करने का भी डीएम सर ने निर्देश दिया है। साथ ही साथ यह भी उनके द्वारा बताया गया है कि जो एसओपी बना हुआ है वो एसओपी की पूरी जानकारी जो कैंप इंचार्ज हैं या जो मानव जन के लिए जो शरण स्थली है उसके कैंप इंचार्ज हों या जो पशुओं के लिए जो शरण स्थली है उसके जो कैंप इंचार्ज होंगे उनको एसओपी की जानकारी पूरी तरह से दे दी जाए कि किसी प्रकार की असुविधा उन लोगों को नहीं हो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित जो DDMP है वो भी तैयार संभवतः कर लिया गया, इसको तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इसलिए हम आपको यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर जो संभावित बाढ़ है उससे बचने के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही साथ पैरेलली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो तटबंध हैं उन तटबंधों का निरीक्षण करने के लिए भी जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया था, तो उन तटबंधों का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा कर लिया गया। मैं स्वयं अपने संबंधित अंचल अधिकारियों के साथ जो गंडक और बूढ़ी गंडक का जो तटबंध है उसको हम लोगों ने निरीक्षण किया है और उसमें जो दबाव के जो बिंदु हैं उनको चिन्हित करके उस पर आवश्यक मरम्मति करने का निर्देश दिया गया था जो फ्लड फाइटिंग के टाइम में काम आएगा। इस प्रकार हम लोग ये जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, जो अगर बाढ़ आती है तो हम लोग उसको निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।